आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भारत वर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यमुनानगर में वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी दौड़ को तेजी खेल परिसर से रवाना किया। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी सौगात और देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, इसी के लिए उनको लौह पुरुष की उपाधि मिली है। आज पूरा देश उनको नमन करता है और उन्होंने जो देश के अलग अलग 562 रियासतों में जो बटा हुआ था, उन सभी रियासतों को बिना एक भी खून का कतरा बहाए, बिना अहिंसा के रास्ते पर चलकर सबको एकजुट कर दिया। देखिए, आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ी सौगात और ये कहूँ कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया और इसी के लिए उनको लौह पुरुष की जो उपाधि मिली। हालांकि लौह पुरुष तो उनको उसके पहले ही कहना शुरू किया था, लेकिन आज पूरा देश उनके प्रति नमन करता है उनको। और उन्हें इस देश के जो 562 रियासतें हमें बटा हुआ था, उन सारों को बिना एक भी कतरा खून का बहाए बिना, और मैं ये कहूँगा कि अहिंसा का अगर सही मायने में कहीं इस्तेमाल हुआ है तो सरदार पटेल ने किया है। पूरी दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहाँ इस प्रकार का कोई काम हुआ हो। तो आज उनकी याद में देश में ये दौड़ लगाई जा रही है और यही संदेश देने का प्रयास में किया गया कि हम भी अपने देश के लिए उसी प्रकार से जिए, अपने देश के लिए हम त्याग करें। और जो छोटी छोटी चीज़ें जो कई बार हमें जात पात के नाम पे या एरिए के नाम पे कहीं चीज़ के नाम पे जो हमें डिवाइड करती हैं, हम में से ही कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उसको ख़त्म करना चाहिए उन बातों को, और अपनी देश की एकता और अखंडता के लिए हमें काम करना चाहिए और अपने महापुरुष सरदार पटेल जी के दिखाए रास्ते पे चल के अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है और 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जिस व्यक्ति ने दुनिया में सबसे बड़ा काम किया, आज उसकी मूर्ति भी दुनिया में सबसे बड़ी लगी है और ये निश्चित तौर से जो भी लोग वहाँ जाएंगे उनको संदेश देगी और जो वहाँ उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वो वाकई उनके जो काम है, सरदार पटेल जी ने जो काम किए उनके बारे में वहाँ जानकारी लेंगे। वहाँ पे इस प्रकार का एक लाइब्रेरी और दूसरी चीज़ें इस प्रकार की हैं जो उनके जीवन से संबंधित हैं, वो रखी गई हैं वहाँ, तो उससे संदेश लेंगे और निश्चित तौर से वो वहाँ से इस भावना को लेके आएंगे, तो इससे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लाभ होगा।